ओके सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल सलीन। दोस्तों आज के वीडियो में बताने वाला हूँ आप लोग IRCTC रेल कनेक्ट ऐप में 2S क्लास में ट्रेन टिकट किस प्रकार बुक कर सकते हैं। सिंपल, IRCTC रेल कनेक्ट ऐप ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेयर देखने को मिल जाएंगे। सिंपल, आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को यूजर नेम पासवर्ड इसके बाद कैप्चर फिल करना है। तो मैं फटाफट फिल कर लेता हूँ। यूजर नेम पासवर्ड कैप्चर फिल करने के बाद लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद प्लान वाइज जोनी पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको फॉर्म स्टेशन इसके बाद 2 स्टेशन सेलेक्ट करना है। तो हमें कानपुर जाना है तो कानपुर सेलेक्ट कर लेते हैं। आप लोग यहाँ पे डेट ऑफ जर्नी सेलेक्ट करना है। तो मैं आज को अब 21 फरवरी सेलेक्ट करता हूँ। आपको जिस डेट में जाना है उस डेट का आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर कोटा सेलेक्ट करना है। जनरल कोटा में टिकट बुक करना चाह रहे हैं तत्काल में, प्रीमियम तत्काल में, मैं जनरल कोटा में टिकट बुक कर रहा हूँ, जनरल सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद सर्च ट्रेन पर क्लिक करता हूँ। इसके बाद इस रूट में जितने भी ट्रेन होंगे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद आपको जिस ट्रेन में टिकट बुक करना है आपको यहाँ सबसे पहले ट्रेन सेलेक्ट करना है, किस ट्रेन में आपको टिकट बुक करना है। तो हमें कानपुर के लिए यहाँ पे सबसे बेस्ट ट्रेन की बात किया जाए तो यहाँ पे श्रम शक्ति है जो कि रात में चलता है। तो हमें श्रम शक्ति ट्रेन पहले चेक कर लेते हैं, थर्ड क्लास में सीट अवेलेबल है या फिर नहीं है। स्लीपर क्लास में देखना है, यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा। देख सकते 40 वेटिंग दिखा रहा है स्लीपर में। तो 2S में हम देखते हैं 2S में सीट अवेलेबल है या फिर नहीं है। 2S क्लास पे हम सर्च कर लेते हैं, 31 सीट बचा हुआ है। सिंपल इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हमें पैसेंजर डिटेल पे क्लिक करना है। पैसेंजर डिटेल पे क्लिक करना है, इसके बाद आई एग्री पे क्लिक करना है, कन्फर्म पे क्लिक करना है। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे पैसेंजर डिटेल फिल करना होगा। मैं यहाँ पे पैसेंजर डिटेल फिल कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं नाम फिल करता हूँ। इसके बाद आप लोगों को एज फिल करना है, इसको मेल फीमेल सेलेक्ट करना है। स्क्रॉल डाउन करना है, ऐड पैसेंजर पे क्लिक करना है। इसके बाद पे क्लिक करके यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अगर एक ही पैसेंजर है तो यहाँ पर रहने देना है। इसके बाद आपको जहाँ जाना है वहाँ का आपको एड्रेस फिल करना है। तो सॉरी मैं यहाँ पर गलत टाइप कर रहा हूँ। इसके बाद आपको एरिया पिन कोड डालना है। इसके बाद पोस्ट ऑफिस सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप पेमेंट ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। पेमेंट ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद रिव्यू जोनी डिटेल पर क्लिक करना है। देख सकते हैं यहाँ पर लोडिंग कैप्चर शो कर रहा है। इसके बाद देख सकते 25 सीट बचा हुआ, उस समय 31 सीट दिखा रहा था। इसके बाद कैप्चर हमें फिल करना होगा। इसके बाद प्रोसेस टू पे क्लिक करेंगे, यस पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हमें पेमेंट ऑप्शन सेलेक्ट करना है, पेटीएम सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद पे क्लिक करता हूँ। देख सकते हो 198 रुपीज़ कटेंगे। इसके बाद यहाँ से नंबर भी चेंज करना होगा। मैं फटाफट नंबर चेंज कर लेता हूँ। इसके बाद लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल फ़ोन पे एक OTP आएगा, जो OTP फिल करने के बाद सबमिट करना होगा। OTP देख सकते आ चुका है। सिंपल मैंने कॉपी किया हूँ, पेस्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ सबमिट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद प्रोसेस टू पे क्लिक करेंगे। देख सकते टिकट जो हमारा 202 रुपये हो गया फाइनल पेमेंट तक जाते जाते। तो आप देख सकते हमारा टिकट बुक हो चुका है। तो इस तरह से आप लोग IRCTC रेल कनेक्ट ऐप से कन्फर्म टिकट बुक कर सकते हैं।